वेलकम बैक टू स्टाइलिंग विद नुपुर। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 स्टेप दही फेशियल। ये फेशियल आप मेरे साथ साथ करिए, सारी ही इंग्रेडिएंट्स आपको अपने घर पे अवेलेबल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दही फेशियल। ये फेशियल अगर आप रेगुलरली करेंगे तो आपको अपनी स्किन में एक विजिबल डिफरेंस देखने को मिलेगा, आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी, ग्लोई हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टेप नंबर 1 है क्लेंजर। आपको लेना है सिर्फ दही। आप चाहे तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं, लेकिन मुझे शहद सूट नहीं करता, तो मैं लूँगी सिर्फ दही। और दही से मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। हम दही से मसाज करेंगे 2 मिनट के लिए अपने फेस पे और अपने नेक पे भी। और फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि दही हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे डार्क स्पॉट्स फेड करता है, हमारी स्किन को ग्लोई बनाता है। इसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं और लैक्टिक एसिड होता है, जिससे हमारी स्किन की सारी टैनिंग भी रिमूव हो जाती है और आपकी स्किन में एक हेल्दी ग्लो आता है। तो 2 मिनट मसाज करके हम इसको वॉश कर देंगे। अब 2nd स्टेप है हमारा एक्सफोलिएशन। तो एक्सफोलिएशन के लिए हम लेंगे 1 चम्मच दही और उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कॉफ़ी। उसको अच्छे से मिक्स करके फिर हमें अपने फेस पर अप्लाई करना है और इससे भी हम 2 मिनट मसाज करेंगे। इसमें कोई भी हार्श ग्रैन्यूल्स नहीं है, तो आपकी जितनी भी सेंसिटिव स्किन भी होगी या फिर एक्ने प्रोन भी होगी, तो आपके स्किन को इरिटेट नहीं करेगा और आपके स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट कर देगा। 2 मिनट मसाज करके फिर हम इसको क्लीन कर लेंगे और हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, फेस काफ़ी क्लीन लग रहा है। अब हमारा 3rd स्टेप है फेस पैक का। तो फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच दही, उसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच बेसन और 1 चुटकी हल्दी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम लोग फेस पैक अप्लाई कर लेंगे अपने फेस पे। ये पैक आपको 15 मिनट्स के लिए रखना है, उसके बाद आप पानी से वॉश कर दीजिए और आपकी स्किन एकदम ग्लोई हो जाएगी। तो आप भी करके दिखिए ये फेशियल और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।